बड़ी खबर आगरा से। आगरा में ताजमहल की सुरक्षा में लगी सेंध, जहां नो फ्लाइंग जोन में पैराशूट उड़ता नजर आया है। ताजमहल के ऊपर ये पैराशूट उड़ता नजर आया सुरक्षा एजेंसियों में, इसके बाद खलबली मची हुई है। बता दें आपको, आगरा में ताज एरिया पूरी तरह से नो फ्लाइंग जोन है, और इस दौरान लेकिन जो खबर आई है वो ये है कि पैराशूट ताजमहल के ऊपर उड़ता नजर आया है, इसीलिए तमाम एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं, हड़कंप इस वक्त मचा हुआ है। शिव चौहान हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शिव, क्या जानकारी लग पा रही है, आखिर कौन था पैराशूट ग्लाइडर, आखिर कैसे वहां पहुंच गया? देखिए, निश्चित तौर से मैं आपको बताना चाहूंगा, ताजमहल के ऊपर आसपास की परिधि की अगर बात की जाए तो नो फ्लाइंग जोन लगता है। वहां कोई भी पैराशूट या ताजमहल के ऊपर कोई हेलीकॉप्टर या कोई भी जहाज उड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा एजेंसियों में उस वक्त खलबली मच गई जब लोगों ने एक पैराशूट को ताजमहल के ठीक ऊपर देखा। हालांकि ये बताया जा रहा है कि ताजमहल के आसपास एयरफोर्स का भी एरिया माना जाता है, तो जो पैराशूट था उस पर नेशनल फ्लैग भी लगा हुआ था, लेकिन उसके बाद तक ये सुरक्षा एजेंसी ये पता नहीं कर पाएंगे आखिरकार जो पैराशूट था वो किसका था। हालांकि सीआईएसएफ के अधिकारियों के द्वारा थाना ताजगंज में इस पूरे मामले की एफआईआर कराई जा रही है। सीओ एलआईयू की बात की जाए, सुरक्षा एजेंसी बताए, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, दरअसल ये वो तस्वीरें जब एक पैराशूट ग्लाइडर पैराशूट के साथ उड़ता हुआ नजर आया, हालांकि इसमें एक तिरंगा झंडा भी नजर आ रहा है। इससे कुछ शंका यह भी है कि हो सकता है कि शायद ये सेना या पुलिस जो फोर्स है उसका ये ग्लाइडर हो, लेकिन सवाल ये कि जब पूरी तरह से नो फ्लाई जोन है ये एरिया, तो आखिरकार यहां पर ये ग्लाइडर पहुंच कैसे गया, ये एक बड़ी चूक जरूर यहां पर कही जाएगी। आखिरकार ऐसी स्थिति में जब किसी भी तरह का कोई भी जहाज, कोई भी प्लेन, कोई भी हेलीकॉप्टर इस एरिए से नहीं उड़ सकता है, ना ही गुजर सकता है, सुरक्षा के मद्देनजर ये प्रबंध किए गए, लेकिन इसके बावजूद अगर पैराशूट ग्लाइडर यहां पर उड़ता हुआ नजर आता है, तो तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो इस एरिया में सुरक्षा में लगी हुई हैं, उन पर सवाल या निशान जरूर खड़ा हो जाता है। ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, नो फ्लाइंग जोन है ये एरिया, इसके बावजूद यहां पर एक पैराशूट ग्लाइडर उड़ा रहा है। हमारे साथ शिव चौहान बने हुए। शिव, वाकई में तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं, इसके बावजूद अगर ये पैराशूट ग्लाइडर उड़ा रहा है तो उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं सीधे तौर पर। बिल्कुल, सुरक्षा पे एक बार सुरक्षा में चूक जरूर हुई है। सीआईएसएफ के जवान लगे हुए, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है, पीएसी लगी हुई है कहीं ना कहीं, और सुरक्षा एजेंसी इस बात से हैरान है कि आखिरकार ये पैराशूट पहुंचा कैसे, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ताजमहल के पास में ही एयरपोर्ट का जोन लगता है, तो वहां कहीं ना कहीं ये भी आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है ऊपर से कोई पैराशूट लेकर नीचे कूदा हो और वो ताजमहल जोन में पहुंच गया हो, तो कहीं ना कहीं पूरे मामले की सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई है कि आखिरकार ये पैराशूट कहां से आ गया। फिलहाल इस पूरे मामले का ताजगंज जो थाना पड़ता है नजदीक, वहां सीआईएसएफ के अधिकारियों के द्वारा इस पूरे मामले का मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है और इस जांच में जुटी हुई है कि आखिरकार वो पैराशूट उड़ाने वाला कौन था। जी चलिए, शुक्रिया शिव आपका पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद।